हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गीता एंड मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप वीडियोस, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं वीडियो में। आज का वीडियो है एक स्किन केयर वीडियो। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट फेशियल। देखिए, फेशियल आप लोगों ने बहुत करवाए होंगे, पार्लर में जाकर भी करवाए होंगे, घर में भी किए होंगे, तो मोस्टली आप सब लोगों को मालूम है कि फेशियल कैसे होता है। बट मैं यहाँ पर बिगिनर्स के लिए और बिल्कुल बेसिक जो स्टेप्स होते हैं फेशियल के, वो बताने वाली हूँ। तो ये फेशियल बहुत इजी होने वाला है। इजी, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें मैंने यूज़ की हैं इस फेशियल में, जो भी घर में अवेलेबल होता है। और इससे आपकी सारी फेस की इम्प्योरिटीज़ क्लीन हो जाती हैं, आपके पोर्स जो ओपन होते हैं उनके अंदर जो भी डर्ट और गंदगी छिपी होती है वो सब क्लीन हो जाएगी, आपकी पोर्स क्लीन हो जाएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। एंड आपकी स्किन जो है वो एक टोन लाइटर भी दिखती है। एंड यू नो, किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो भी क्लीन होते हैं, एक्ने पिंपल्स हैं तो वो भी ठीक होते हैं। तो ये फेशियल आप ज़रूर कीजिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो, और फिर देखिए इसके बेनिफिट्स कितने अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पर रॉ मिल्क ले रही हूँ। रॉ मिल्क में गाइस लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारे पोर्स को अंदर तक क्लीन कर देता है और सारे बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है। एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। और डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो हमारी स्किन में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है वो भी खत्म हो जाता है, हीलिंग को प्रमोट करता है और एक इवन टोन स्किन हमें देता है। हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, नरिश्ड, सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है। इस तो लगा लिया मैंने, ये 2 मिनट छोड़ेंगे, 2 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मसाज करके इसको वॉश कर लेंगे। और हम मम्मी को वॉश कर देंगे। ध्यान रखिए कि वॉश करने के लिए आप हमेशा थोड़े से गुनगुने पानी का यूज़ करें, ठंडे पानी का यूज़ ना करें, बहुत गर्म पानी का भी यूज़ ना करें, ल्यू कॉम वाटर का यूज़ करें। तो मैं इसको वॉश कर देंगे। तो चलते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम स्क्रबिंग करेंगे और मैं यहाँ पर अपना होममेड स्क्रब ले रही हूँ। ये राइस और मसूर दाल का स्क्रब है जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। इस पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इसके गाइस बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसमें राइस है, राइस में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। राइस हमारी स्किन में फाइन लाइंस को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है और एजिंग के प्रोसेस को भी डिले कर देता है। साथ ही साथ इसमें इलास्टेज नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग को कम करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर मसूर दाल ऐड किया है। मसूर दाल एक बहुत अच्छा स्किन क्लींजर है, हमारे पोर्स को अंदर से क्लीन कर देता है। अगर कोई भी क्लॉग पोर्स हैं आपकी स्किन में, एक्ने फॉर्म जो भी करते हैं उनको क्लीन करता है। मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसको इफेक्टिव स्किन क्लींजर बनाता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, एक्ने और ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है और ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और स्किन को ब्राइटन बनाता है। योगर्ट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। रेगुलरली यूज़ करने से आपकी स्किन के रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, डार्क स्पॉट और ब्लैमिशेज भी खत्म हो जाते हैं, आपकी टोन जो है वो बेहतर होती है पहले से। ये रब कर लिया है मैंने इसको और अब मैं इसको 2 मिनट तक छोड़ूंगी, उसके बाद वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद आपको अपने फेस को इस तरह से पैट ड्राई कर लेना है। तो स्क्रबिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टीमिंग। अब मैं अपने फेस को स्टीम दूंगी, जिससे क्या होगा सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसके बाद हम जो भी फेस पैक लगाते हैं तो वो अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा और अच्छे इफेक्ट, अच्छे बेनिफिट्स देगा। सो स्टीमिंग के लिए मैं अपना ये स्टीमर ले रही हूँ। स्टेप आता है फेस पैक का। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल सा फेस पैक बना रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। मुल्तानी मिट्टी गाइस बहुत बेनिफिट देता है हमारी स्किन को, हमारे पोर्स को अंदर तक से क्लीन कर देता है और सारे एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी स्किन को क्लीन बनाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ। सैंडलवुड पाउडर हमारी स्किन में कोई भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है। हमारी स्किन में जो सनबर्न अगर हो गया उसको सूट करता है, सन टैन को रिमूव करता है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर टर्मरिक ले रही हूँ। टर्मरिक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर हमारी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको भी ठीक करता है टर्मरिक। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ले रही हूँ। रोज़ वाटर
रोज़ वाटर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज बनाए रखता है और किसी भी तरह के साइड्स ऑफ एजिंग को भी कम करता है, रिंकल्स को भी हमारे फेस पे से ख़त्म करता है। ये फेस पैक बहुत ही बेसिक फेस पैक है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। और इसके बाद आपको अपनी स्किन एक टोन लाइटर दिखती है, बहुत अच्छा ग्लो ऐड करता है हमारे फेस में और ब्राइटन करता है हमारी स्किन को। तो लगा लिया है मैंने अपना ये फेस पैक और उसे मैं छोड़ दी, 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दी और उसके बाद मैं फिर वॉश कर लूँगी। तो मेरा मास्क ड्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है, हमें इसे पूरा ड्राई नहीं करना है, 5 से 7 मिनट में वॉश कर देना है। तो मैंने ये ब्राइट स्पंज ले लिया है और उससे मैं इसको क्लीन कर लूँगी। कर लिया है मैंने अपना। सो फेस पैक के बाद अब करेंगे हम टोनिंग। टोनिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ये एलोवेरा स्प्रे ले रही हूँ, आप रोज वाटर ले सकते हैं, कोई भी अपना फेवरेट टोनर ले सकते हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए सेट होने देंगे और फिर इसके बाद हम करेंगे मॉइस्चराइजेशन। तो अब करना है हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज, आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ, मैं सिंपल एलोवेरा जेल ले रही हूँ मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो यहाँ पर फिनिश होते हैं हमारे फेशियल के सारे स्टेप्स एंड इट्स ऑल डन। सो देखा आपने, ये था मेरा बहुत ही सिंपल सा इजी सा फेशियल एट होम। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये फेशियल ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। नए वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बी स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ अ फ्री थेरेपी। ओके, सो बाय बाय।